देखिए इस वीडियो में आपको 9 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन बताया जाएगा, समझ गए। अब देखिए कुछ फॉर्मूला आपको लिख दिया है, इस फॉर्मूला को हमेशा आपको याद रखना है, उसके बाद ये बन जाएगा पूरा सवाल। देखिए 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर होता है। ये जो है ITF है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है, समझ गए, फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना जरूरी है आपको। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर, tan 3 थीटा का 3 tan थीटा - tan q थीटा / 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के फॉर्म में, 2 tan थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। एक फार्मूला और देखिए आप, cos 2 थीटा का cos के फॉर्म में जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 होता है। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, समझ गए। अब देखिए 9 का क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर ध्यान देंगे। 9 का क्वेश्चन आपका है y बराबर sin इनवर्स 2x / 1 + x का स्क्वायर। जितना भी sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जितना भी होता है उसको याद करना जरूरी है आपको, समझ गए। अब इसको जो करिएगा तो कैसे करेंगे, अब इसका फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट, sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है। हम लिख सकते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x, कहां से नहीं समझ में आया क्या, देखिए ना sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का होता है, इसीलिए हम यहां पे इसके पूरे के जगह पर 2 tan इनवर्स x दे सकते हैं। लिखिएगा तो लिख लीजिए, क्योंकि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर, यही होता है, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करना है, तो डी बाय डी एक्स होगा ना। अब यहां तो बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, तो डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स हो जाता है, टेन इनवर्स। अब डी बाय डी एक्स बराबर 2, अब टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, 1 by 1 plus x का स्क्वायर होता है, किसका, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x स्क्वायर, dy by dx बराबर 2 में x से गुणा करेंगे 2 होगा, 2 by 1 plus x का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है, समझ गए। बहुत आसान है ये सब सवाल, टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा आपसे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, जितना भी फॉर्मूला है उसको याद हमेशा रखिएगा। और sin इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स का फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए। देखिए इसी में इसी को दूसरे तरीका से आपको कैसे बनाते हैं, सेकंड मेथड से बताते हैं आपको। देखिए इसी को आप सेकंड मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए सेकंड मेथड सीखना आपको जरूरी है। मान लेते हैं कहीं एडजस्ट फॉर्मूला पर डायरेक्ट नहीं होगा तो उसको कैसे बनाइएगा, तो ऐसे कैसे बनाना है, अब इसको सबसे पहले सरलतम रूप करना है, सरलतम रूप आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़ चुके। अब देखिए x के जगह पर क्या रखेंगे, तो x के जगह पर क्या रखना, देखिए कौन सा फॉर्मूला एडजस्ट करेगा, तो tan रखेंगे तो sin 2 थीटा हो जाएगा, और sin इनवर्स sin 2 थीटा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है x बराबर tan थीटा रखने पर, x का जो मान लेंगे क्या लेंगे, tan थीटा, यहां से थीटा निकालिएगा तो ये इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्या, ये तो थीटा निकालेंगे tan इस साइड आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए आपका सवाल क्या है, y बराबर sin इनवर्स x के जगह पर 2 है, तो x के जगह पर आप क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब y बराबर sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा का होता है, यहां sin 2 थीटा लिखेंगे फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि sin 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा बटे 1 + tan का स्क्वायर का थीटा, ऐसे होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए अब एक फार्मूला आप पढ़े हैं sin इनवर्स, देखिए sin इनवर्स sin थीटा,
sin inverse sin थीटा, थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहां पर 2 थीटा, 2 थीटा देंगे, लिखिएगा। देखिए फार्मूला आपको याद करना जरूरी है, समझ गए, फार्मूला आपको याद करना बहुत जरूरी है। sin inverse sin थीटा क्या होगा, थीटा होगा, और थीटा की जगह पे यहां पर 2 थीटा, तो y बराबर 2, अब थीटा का मान कहीं निकालने हैं यहां पर, तो tan inverse हो जाएगा। देखिए अब इसको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए dy / dx होगा, दो बाहर हो जाएगा, तो tan इनवर्स x dx होगा। अब देखिए dy / dx ये जो दो है, अब इसका देखिए tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 / 1 + x स्क्वायर होता है, 1 / 1 + x का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब यहां से देखिए dy / dx, दो में x से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 / 1 + x का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। सेकंड मेथड भी सीख गए और फर्स्ट मेथड भी सीख गए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए 10 नंबर का सवाल आपको, y = tan inverse 3x - x³ / 1 - 3x² जहां x का जो वैल्यू होगा -1/√3 से बड़ा होगा और 1/√3 से छोटा होगा, समझ गए। अब देखिए यहां पर x का मान क्या रखेंगे जो फार्मूला पर एडजस्ट कर जाएगा, समझ गए, और इसको सरलतम रूप निकालना है। अब आपके दिमाग में आता होगा, देखिए 3 है, x के जगह पर tan रखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, 3 tan थीटा - tan u थीटा / 1 - 3 tan स्क्वायर, इसका मतलब है x का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। अब देखिए x = tan थीटा रखने पर, अब यहां से थीटा का जो वैल्यू निकालिएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा। अब देखिए सवाल है आपका y = tan इनवर्स 3, x के जगह पर tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा - tan q थीटा / क्या हो जाएगा, 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होगा, होगा ना। अब देखिए y = ये कौन सा फार्मूला पर एडजस्ट हो रहा, tan 3 थीटा पर, तो 3 tan थीटा - tan q थीटा / 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा होता है ना। अब यहां से लिखिएगा इस पूरा के जगह पर कौन सा फार्मूला, tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा y बराबर, अब tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है तो 3 थीटा लिखेंगे, लिखिएगा क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, थीटा की जगह पे यहां पर 3 थीटा है, y बराबर 3, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x देंगे। अब यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये करना। अब देखिए dy / dx होगा, 3 बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स का होगा डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy / dx, और tan इनवर्स का क्या होता है, 1 / 1 + x का स्क्वायर, ये होगा ना आपका। अब देखिए यहां से dy / dx बराबर 3 में x से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा 1 / 1 + x का स्क्वायर, यानी 3 / 1 + x का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, y बराबर cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर, जहां x का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा और x से छोटा होगा, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए कौन सा फार्मूला का एडजस्ट करिएगा जो सरलतम रूप में हो जाएगा, छोटा रूप में होना चाहिए। अब यहां से देखिए तो कोई फार्मूला एडजस्ट हो रहा है, 1 - tan² यहां पे देखिए x के जगह पर tan मानेंगे 1 - tan² / 1 + tan², इसका मतलब क्या है, x के जगह पर tan थीटा मान के, समझ गए। अब देखिए x = tan थीटा रखने पर, जब tan थीटा लेंगे तो थीटा का जो वैल्यू निकालिएगा तो वह इनवर्स में हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहां से देखिए y = cos इनवर्स 1 - x के जगह पर क्या लिखिएगा, tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसे होगा। अब y बराबर क्या होगा, cos इनवर्स, अब 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, तो cos 2 थीटा दीजिए, समझ गए ना क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा, यही होता है, समझ रहे हैं बात को। अब आगे बढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, तो y बराबर cos इनवर्स, अब देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा की जगह पर यहां पर 2 थीटा है, 2 थीटा लिखेंगे, लिखिए क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है।
अब देखिए y बराबर 2 और थीटा का मान कहां नजर आता है यहां पे, तो इसका tan इनवर्स x हो जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, समझ रहे हैं बात को, तो दोनों साइड लिखिएगा, भाषा लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए dy का dx होगा यहां से तो बाहर, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा यहां से d by dx। अब देखिए dy by dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ अभी तक, 1 by 1 plus x square होता है, तो यहां पे लिखेंगे 1 by 1 plus x का square। अब dy by dx बराबर दोनों x से गुणा करेंगे 2 होगा, 2 by 1 plus x का square, यही आपका आंसर हो जाता है। ये अगला नंबर का सवाल था, समझ गए। अब 12 का बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए 12 का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y बराबर sin इनवर्स 1 - x² / 1 + x², जहां x का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। अब देखिए फार्मूला एडजस्ट करिए, कौन सा फार्मूला पर होगा आपको, अब जिस किसमें आता है 1 - x² / 1 + x², tan के रूप में आता है, देखिए 1 - tan² / 1 + tan² इसको करिए, इसको जो करना है तो क्या लेंगे, x = tan थीटा, समझ रहे हैं ना, x बराबर tan थीटा रखने पर अब यहां से थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा ना, और जैसे ही होगा तो y बराबर sin इनवर्स 1 - tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब y बराबर sin इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा का होता है, यहां पर cos 2 थीटा लिखिएगा, समझ गए, लिखिएगा तो लिख दीजिए बगल में, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan का स्क्वायर थीटा / 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला याद जरूर करिए, आपको बार-बार कहते हैं याद करना जरूरी है, समझ रहे हैं ना, y बराबर sin, अब सोचिए sin इनवर्स यहां पर cos थीटा तो नहीं होता है, थीटा कब होता है, जब sin इनवर्स sin थीटा रहेगा तब होता है थीटा, लेकिन यहां तो अलग है, अब cos को sin में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, तो बताइए cos 90 डिग्री यानी sin 90 डिग्री - थीटा cos थीटा होता है ना, इसका मतलब है यहां पर हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री, 90 को पावर 2 लिखा जाता है, 90 डिग्री - थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए sin 90 डिग्री - थीटा cos 2 थीटा को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री - थीटा, अब यहां से sin इनवर्स sin मिल रहा है ना, अब बताइए sin इनवर्स sin थीटा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा की जगह यहां से यहां तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा। अब y बराबर पाई बाय 2 माइनस 2 और थीटा की जगह पर क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, ये होगा ना। आप इसको दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए, इसको डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए, x के सापेक्ष। अब dy / dx यहां पर पावर 2 को भी करेंगे ना, पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो बाहर हो जाएगा 3 / dx tan इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन करना है, यहां तक सही है। अब क्या करिएगा, देखिए dy / dx, अब आप समझते हैं पावर 2 एक अचर राशि होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 / 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखिए इसको बनाते कैसे dy / dx 0 तो हट जाएगा, अब -2 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, -2 होगा, नीचे में 1 / 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, -2 / 1 + x स्क्वायर नीचे में हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाता है, इसी प्रकार से, समझ गए। अब देखिए 13 नंबर का बनाते हैं, अब देखिए 13 का क्वेश्चन आपका है,
वहां पर cos इनवर्स 2x 1 x स्क्वायर है, जहां x का जो वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये आपका सवाल दिया हुआ है। अब सोचना है इसमें से कौन सा फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं, इसको सरलतम यानी छोटा रूप में लाना। अब बताइए 2x 1 x स्क्वायर कहां एडजस्ट हो सकता है, यहां तक कि sin 2 थीटा का 2 tan थीटा / 1 tan स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब क्या है? तो थीटा का जो x का जो मान होगा वो tan थीटा हम रख सकते हैं। तो यहां पर लिखिएगा x बराबर tan थीटा रखने पर, जैसे ही यह बात लिखे तो यहां से थीटा का मान निकालना है, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? y बराबर cos इनवर्स 2x का मान है tan थीटा, तो थीटा लिखेंगे 2 tan थीटा / 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है y बराबर cos इनवर्स। अब बताइए 2 tan थीटा / 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है? आप तुरंत कहिएगा सर sin 2 थीटा का होता है, यहां पर sin 2 थीटा लिख देंगे। sin 2 थीटा कहां से आया समझ में आया? sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा / 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहां से cos इनवर्स cos थीटा होना चाहिए, लेकिन यहां पर sin है तो sin को cos में क्यों नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना? तो cos 90 डिग्री - थीटा sin थीटा होता है। तो लिखिए यहां पे y बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स cos 90 डिग्री, 90 को पावर 2 लिख सकते हैं - थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा है। cos 90 डिग्री - थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। तो अब लिखिए, अब देखिए cos इनवर्स cos थीटा क्या होगा, थीटा होगा, तो थीटा की जगह क्या है पावर 2 - 2 थीटा है। समझ गए? थीटा हो गया यहां पे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करिएगा, भाषा लिख दीजिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डीवाई बाय डीएक्स बराबर पाई का भी करेंगे ना, पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है माइनस 2 tan थीटा का मान देखिए ना tan इनवर्स है, क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, ऐसे कर देंगे। यहां पर मान बिठा सकते हैं, मैं तो ऐसे भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए dy / dx पावर 2 का 0 हो जाएगा, तो 0 होगा माइनस 2 और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 / 1 + x स्क्वायर, 1 / 1 + x का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां से dy / dx बराबर 0 तो हट जाएगा, माइनस 2 में x को गुणा करेंगे माइनस 2 होगा, अब बाकी क्या हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर होगा। यही आपका आंसर है, ईमानदारी पूर्वक देखिए आप इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 14 का बनाएंगे। अब देखिए 14 का क्वेश्चन आपका है y बराबर sin बस 2x root under 1 minus x स्क्वायर, ये जहां जो है x minus 1 by root 2 से बड़ा होगा x और छोटा होगा 1 by root 2 से। अब इसको कौन सा फॉर्मूला पर एडजस्ट करना है? अब देखिए यहां पे 2 sin inverse x बराबर sin inverse 2x root under 1 minus x स्क्वायर, इसका मतलब है y बराबर हम मान सकते हैं इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2 sin inverse x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कितने लिख सकते हैं। अब यहां से डिफरेंशिएशन इसको करिए, शॉर्ट हो गया। अब इस यहां से डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए dy / dx होगा, दो बाहर हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy / dx बराबर 2। अब sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 / root under 1 minus x का स्क्वायर, ये होता है dy / dx बराबर 2 में x को गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 / root under क्या हो जाएगा 1 minus x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाता है। अब देखिए लास्ट सवाल 15 नंबर का है, उसको बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है जरूर लीजिए। देखो
देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईमानदारी पूर्वक इसको देखना है, लास्ट क्वेश्चन समझना जरूरी है, फर्स्ट और लास्ट जरूरी होता है समझना। अब देखिए लास्ट में आपका है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन कौन सा फॉर्मूला पर एडजस्ट हो सकता है कोस टू थीटा पर। अब देखिए इसका मतलब है एक्स बराबर क्या लेंगे बताइए, एक्स बराबर कोस थीटा रखने पर, जैसे ही रखिएगा ना रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान निकालेंगे, थीटा का जो मान निकालिएगा वह कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और वाई बराबर सेक इनवर्स वन बाय टू एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये लिखना है वाई बराबर सेक इनवर्स। अब देखिए वन बाय टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कोस टू थीटा, क्या होता है कोस टू थीटा, ये लिख देंगे, लिखेंगे चूंकि कोस टू थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, y बराबर सेक इनवर्स वन का कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वन का कोस थीटा, तो ये आप टेंथ में पढ़े होंगे वन का कोस थीटा साइन थीटा होता है, सॉरी सेक थीटा होता है, वन बाय कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह सेक थीटा का होता है, समझ गए। अब बताइए यहाँ पर सेक थीटा होगा ना, थीटा की जगह पर टू थीटा है तो टू थीटा लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर वन बाय कोस थीटा होता है, ये होता है। अब यहाँ से बोलना है सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा होता है तो थीटा की जगह पर टू थीटा है तो टू थीटा देंगे, वाई बराबर टू, अब थीटा का मान बैठाइए कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड, डिफरेंशिएशन करिएगा तो भाषा लिखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करिएगा। अब डी वाई बाई टी एक्स होगा ना, दो बाहर हो जाएगा कोस इनवर्स ऐसे होगा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर तो कोस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है माइनस में वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर दो में माइनस वन से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस दो होगा, नीचे में होगा रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आपका लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर है, समझ रहे हैं ना। इसको देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत प्यार से ले लीजिएगा।